नमस्कार दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि पूरा YouTube विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप महेश्वरी से भर गया? क्या है हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा? क्या है हैशटैग जानेमन? आखिर क्यों विवेक बिंद्रा दे रहे हैं संदीप महेश्वरी को धमकी? क्या है MLM स्कैम? क्या विवेक बिंद्रा का बड़ा बिजनेस एक स्कैम है? अगर नहीं तो क्यों संदीप महेश्वरी ने कहा कि देश छोड़कर भागने वाले हैं विवेक बिंद्रा? आज से 10 दिन पहले संदीप महेश्वरी के YouTube चैनल पर बिग स्कैम एक्सपोज करके एक वीडियो डलता है। वीडियो में ऑडियंस में से कुछ 18 से 25 साल की उम्र के 4 से 5 बच्चे संदीप महेश्वरी से MLM के स्कैम के बारे में बात करते हैं। इन लोगों का कहना था कि MLM में बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर अपने सेमिनार्स में मोटिवेशनल स्पीच के थ्रू उनका ब्रेन वॉश करते हैं और अपना कोर्स बेचने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये दावा करते हैं कि इसे लेने के बाद आप एक बिजनेसमैन बन चुके होंगे और अब आप लाखों कमाने वाले लाखों लोगों में से एक हैं। पर रियलिटी यहाँ से कोसों दूर है। इन लोगों का कहना था कि जो कोर्स इन्होंने 50,000 या 35,000 में परचेस किए हैं वो एकदम बकवास हैं। उनकी एक्चुअल कॉस्ट मार्केट में कुछ भी नहीं। ये लोग कहते हैं हमारे साथ स्कैम हुआ, हमारा ब्रेन वॉश करके हमें लूटा गया। इस वीडियो के पब्लिश होते ही वीडियो पर लाखों में व्यूज आए और यहाँ से एक नया खेल शुरू होता है। अब संदीप महेश्वरी YouTube कम्युनिटी में कहते हैं कि इस वीडियो के पब्लिश होते ही विवेक बिंद्रा उनकी टीम को बार बार कॉल करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। विवेक बिंद्रा बार बार संदीप महेश्वरी को कॉल करते हैं, उन्हें धमकी देते हैं, उनकी वीडियो बिग स्कैम एक्सपोज को डिलीट करने के लिए कहते हैं। यहाँ तक तो संदीप महेश्वरी ने किसी का भी नाम रिवील नहीं किया था, मगर उसके अगले ही दिन संदीप महेश्वरी अपनी कम्युनिटी में फिर आए और उनका नाम रिवील करते हुए कहते हैं, मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉयज को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? डरते वो हैं जो कुछ गलत करते हैं। मैंने अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता हूँ और मरते दम तक करता रहूँगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते और मुझे अकेला समझने की गलती मत करना। पूरी YouTube कम्युनिटी मेरे साथ है, सारे यूट्यूबर्स अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे, आपका काम लेकर आपके बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बात करेंगे। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। नाउ इट्स पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। इस कम्युनिटी पोस्ट के बाद संदीप महेश्वरी एक और पोस्ट करते हैं और विवेक बिंद्रा को ये बताते हैं कि स्कैम क्या होता है, कैसे विवेक बिंद्रा स्कैम कर रहे हैं। उन्होंने इसका एक एग्जांपल भी दिया, एक कंघी बेचना जिन्हें उनकी जरूरत है स्कैम नहीं है, बट वही 50 रुपए की कंघी किसी व्यक्ति को 50,000 में बेचना और ये कहना कि ये एक जादुई कंघी है और इससे एक महीने में तुम्हारे बाल उग जाएंगे, ये एक स्कैम है। हैशटैग स्टॉप स्कैम बिजनेस। अब संदीप महेश्वरी एक और कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं, 3 बिग मिस्टेक्स ऑफ विवेक बिंद्रा। संदीप सर कहते हैं कि उनकी एडिटिंग टीम ने वीडियो में किसी भी व्यक्ति का या किसी भी कंपनी का नाम नहीं डाला था, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ अवेयरनेस फैलाना था, ना कि किसी को डायरेक्ट टारगेट करना। मगर विवेक बिंद्रा को लगता है कि संदीप महेश्वरी उनसे डरते हैं, इसलिए उन्होंने उनका नाम खुलकर नहीं लिया। दूसरी गलती, विवेक बिंद्रा को मेरे घर पर अपने लोग और मेरे ऑफिस में अपने लोग नहीं भेजने चाहिए थे। और तीसरी गलती, वो अभी कुछ बहुत ही बेवकूफी वाला काम करने वाले हैं। अब तक जो भी हुआ उसने विवेक बिंद्रा के सब्र के बांध को तोड़ दिया और संदीप महेश्वरी के सभी सवालों का जवाब देने के लिए विवेक बिंद्रा उसी दिन शाम को अपनी 10 डेज MBA को लॉन्च करने YouTube पर आते हैं। अपनी पूरी वीडियो में विवेक बिंद्रा संदीप महेश्वरी को हैशटैग जानेमन कहकर बुलाते हैं और कहते हैं कि जानेमन, आपको एक बार मेरी भी सुननी चाहिए थी। विवेक बिंद्रा अपनी वीडियो में कहते हैं कि उनके कोर्स का प्राइस ज्यादा इसलिए है क्योंकि वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखते हैं और उनका फाइनेंशियल सेटअप जो लोग संभालते हैं वो वर्ल्ड में 4th नंबर पर एग्जिस्ट करते हैं। विवेक बिंद्रा संदीप महेश्वरी से कहते हैं कि आपको अपनी कम्युनिटी में छूट नहीं लिखना चाहिए, अब एक हफ्ते में मैं जो करूँगा वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। संदीप भाई ने ये सब व्यूज कमाने के लिए किया, उनकी पुरानी मार्केटिंग वीडियोज में व्यू नहीं आ रहे थे और उन्हें मार्केटिंग में उतरना था। हिंदुस्तान टाइम के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर अपनी पोस्टर छपवा चुके थे संदीप भाई, अपना काम बनाने के लिए
बड़ा बिजनेस और मुझ पर लगा रहे हैं दाग। विवेक बिंद्रा के सवालों का जवाब देने के लिए, ये बताने के लिए कि क्या होता है स्कैम, लॉ के हिसाब से स्कैम किस किस तरीके के होते हैं और विवेक बिंद्रा का बड़ा बिजनेस क्यों एक स्कैम है, संदीप महेश्वरी अपने चैनल पर लगभग 30 मिनट का वीडियो अपलोड करते हैं जिसका टॉपिक होता है #StopVivekBindra। संदीप महेश्वरी इनडायरेक्टली विवेक बिंद्रा की डिग्री को टारगेट करते हैं और उसे भारत में फर्जी बताते हैं। संदीप महेश्वरी बताते हैं कि कंपनी कैसे स्कैम कर रही है। वो बताते हैं कि वो प्रोडक्ट बेचना जिसका प्राइस मार्केट में जीरो है, उसे कंज्यूमर का ब्रेन वॉश करके बेचना और फिर उसे किसी तीसरे को बेचने के लिए मजबूर करना ही स्कैम है। संदीप महेश्वरी कहते हैं कि बड़ा बिजनेस और विवेक बिंद्रा लोगों को 10 लाख रुपए कमाने की गारंटी देते हैं और कहते हैं कि लाखों लोगों ने किया है, आप भी कर सकते हैं। मगर संदीप सर कहते हैं कि ये साफ झूठ है, धोखा है, क्योंकि इस कंपनी का कुल टर्नओवर ही लगभग 172 करोड़ है। ये चाहकर भी अपने लाखों कंज्यूमर को 10 लाख रुपए महीने का नहीं दे सकते क्योंकि इनके पास खुद इतना पैसा ही नहीं है। ये कंपनी लाखों लोगों को बेवकूफ बना रही है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है और अब ये लोग आप सभी का पैसा लेकर भागने ही वाले हैं। संदीप महेश्वरी कहते हैं, अब ना चाहते हुए भी मैं इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो चुका हूँ। अब मैं इनके खिलाफ इंडिया की बेस्ट लॉ कम्युनिटी खड़ी करूंगा, आप सभी लोग तैयार हो जाओ, अब ये स्कैम यहीं खत्म करना होगा। #StopVivekBindra